गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू झारखंड लाइव झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडीज चैनल दोस्तों आज है 18 जुलाई और हम लोग यहां पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर छह बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है

ठीक है नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब कितनी राशि मुहैया कराई जाएगी तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर तो हो जाएगा पैंतालीस लाख रुपये मुहैया कराई जाएगी उपलब्ध कराया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य में नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिजन को अब पैतालीस लाख रुपए दिए जाएंगे राज्य पुलिस मुख्यालय ने नक्सल अभियान में लगे जवानों की बीमा को लेकर एमओयू किया है नक्सल विरोधी अभियान में शहीद होने अस्थाई अपंगता दोनों हाथ या फिर दोनों पैर या फिर दोनों आंख पूरी तरह खराब होने की स्थिति में बीमा राशि का 100 परसेंट दिया जाएगा 100 प्रतिशत दिया जाएगा वहीं एक आंख या एक पैर या फिर एक हाथ नुकसान पर बीमा राशि की 50% दी जाएगी और ये बीमा राशि कितनी होगी 45 लाख ,00 रुपए होगी अगर यहाँ पर उन्हें 100 100% दिया जाता है 100% दिया जाता है तब तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो अब यहां पर शहीद परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी 45 लाख ,00 रुपए दी जाएगी राज्य के पुलिस मुख्यालय ने इसमें संशोधन किया है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य में किसने मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त स्पॉन रन बैग के अवशेष का कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करने की तकनीक विकसित की है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने किसने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले स्पॉन रन बैग के अवशेष को कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करने की तकनीक विकसित की है ऑप्शन तो नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने इस तकनीक की इजाद की है चलिए यहां पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि यह स्पॉन रन बैग क्या है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मशरूम उत्पादन यूनिट के वैज्ञानिकों ने मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त स्पॉन रन बैग के अवशेष का कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करने की तकनीक विकसित की है मशरूम की खेती में स्पॉन बीज को स्पॉन रन पॉलीथीन बैग में भरकर विभिन्न प्रक्रियाओं से मशरूम का उत्पादन किया जाता है स्पॉन रन से 20 से 22 दिनों के बाद मशरूम प्राप्त होने लगता है हर एक बैग से 60 दिनों तक विभिन्न अंतराल पर मशरूम तोड़े जाते हैं 60 दिनों के बाद बैग में पड़े अवशेष को अनुपयोगी समझकर इसे फेंक दिया जाता है तो अभी से यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस बाइक को अब यहाँ पर कंपोस्ट के रूप में विकसित करने की तकनीक इजाद की है ऑप्शन तो नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने इस तकनीक की इजाद की है अब यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है तो इसके बारे में यहाँ पर फैक्ट देख लीजिए इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना वर्ष उन्नीस ईस्वी में की गई थी कब की गई थी 26 जून उन्नीस ईस्वी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी ये याद रखिएगा और अभी के यहाँ पर जो वाइस चांसलर है वो कौन है अबूबकर सिद्ध की है कौन है अबूबकर सिद्ध की है जो कि फिलहाल यहाँ पर वाइस चांसलर है वी हैं ठीक है ठीके? और ये इसका जो कैंपस स्थित है वो कहाँ पर स्थित है ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय तो ये रांची में स्थित है तो इतना जानकारी आपको यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी रखनी है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एस आर एस के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रसव के दौरान मातृत्व मृत्यु दर छिहत्तर से घटकर कितनी हो गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो अब यहाँ पर छिहत्तर से घटकर इकहत्तर हो गई है सेवेंटी हो गया है ऑप्शन नंबर ए इज़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के के रिपोर्ट के अनुसार यहां पर जारी किया गया है और यह अब यहां पर राज्य में मृत्यु दर जो है यहाँ पर मातृत्व की वो छिहत्तर से घटकर इकहत्तर हो गई है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य में मातृत्व मृत्यु दर का अनुपात छिहत्तर से घटकर कर इकहत्तर हो गया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एस आर एस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-17 में यह आंकड़ा छिहत्तर थी जो कि वर्ष 2016-18 में घटकर यह इकहत्तर हो गई है 71 हो गई है राष्ट्रीय अनुपात जो है यहाँ पर एक है जिससे कि झारखंड में यह काफी कमी आई है और यह झारखंड में झारखंड जो है इस आंकड़े के मामले में काफी कम है राष्ट्रीय अनुपात के अनुसार झारखंड देश में मातृत्व मृत्यु दर कम करने वाला राज्यों की श्रेणी में छठे स्थान पर है ठीक है तो ये जो है यहां पर याद रखिएगा ये पॉइंट हो सकता है आपके लिए यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड देश भर में मातृत्व मृत्यु दर कम करने वाले राज्यों की श्रेणी में छठे स्थान पर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेवेंटी वन हो गया है अब यहां पर मातृत्व दर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ठीक है तो ये प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे याद रखिएगा नोट कर लीजिएगा और झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये है गंदूरा उरांव कौन है गंदूरा उरांव है जिनको कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान है ये तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये किस गांव से आते हैं किस पंचायत से आते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गुड़ गुड़ जाड़ी निवासी प्रगतिशील किसान गंदूरा उराव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस पर झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गंदूरा उराव को पचास की नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर ऑनलाइन सम्मानित किया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये यहाँ पर गुल -गुल जाड़ी जो है ये मांडर प्रखंड के अंतर्गत आता है ठीक है है मांडर प्रखंड के अंतर्गत आता और मांडर जो है वो रांची जिले के अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा रांची जिले के मांडर प्रखंड के गुड़गुड़ जाड़ी निवासी प्रगतिशील किसान गंदूरा उरांव को यहाँ पर सम्मानित किया गया है झारखंड का सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है ठीक है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हटिया रेलवे स्टेशन पर किस रेलवे स्टेशन पर तो हटिया रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहां पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं हटिया रेलवे स्टेशन में महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है इसका उद्घाटन रेल पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने किया है हेल्प डेस्क के माध्यम से सफ़र के दौरान विभिन्न समस्याओं से जूझ रही महिलाएं यात्रियों को काफ़ी मदद मिलेगी ठीक है हेल्प डेस्क के माध्यम से जो सफ़र कर रही होंगी महिलाएं ट्रेन में उनको यहाँ पर किसी भी परेशानी के दौरान यात्रा के दौरान समस्याओं का हल हो सके इसलिए यहाँ पर महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा हटिया रेलवे स्टेशन में महिला सहायता डेस्क की शुरुआत की गई है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न है कृषि गुरुकुलम किसान संसाधन केंद्र एवं कृषि उत्पाद संग्रह केंद्र की शुरुआत किस गाँव में की गई है ठीक है कृषि गुरुकुलम किसान संसाधन केंद्र एवं कृषि उत्पाद संग्रह केंद्र की शुरुआत किस गांव में की गई है तो इसका सही आंसर जो हो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत नवागढ़ में की गई है कहाँ पर की गई है नवागढ़ में की गई है नवागढ़ गांव में तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि यह कृषि गुरुकुलम किसान संसाधन केंद्र एवं कृषि उत्पाद संग्रह केंद्र क्या है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नवागढ़ के बरवा टोली में गुरुवार को किसान संसाधन केंद्र कृषि उत्पादक कलेक्शन सेंटर कृषि गुरुकुलम की शुरुआत की गई है तत्कालीन प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल की मदद से यह केंद्र खोला गया है इस केंद्र के माध्यम से जैविक खेती द्वारा उत्पादित सब्जी और अन्य उत्पादन को उचित मूल्य पर खरीद कर शहर भेजा जाएगा

शुरुआत की गई है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है आ, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था राज्य सरकार ने कितनी राशि सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला लिया है तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाँच लाख रुपये सालाना टर्न वाले पर यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाएगा कम से कम पांच लाख सालाना टर्न ओवर वाले कारोबारियों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिम लोग सही आंसर कमेंट किए थे तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य सरकार ने सालाना पांच लाख से दस लाख रुपये सालाना टर्न पर एक प्रोफेशनल टैक्स वसूला जाएगा वहीं दस लाख से पच्चीस लाख टर्न पर पंद्रह सौ पर प्रोफेशनल टैक्स लिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा और 40 लाख तक के जिनका टर्न ओवर है उनसे दो हज़ार रुपये और उससे अधिक होने पर 40 लाख से अधिक होने पर पच्चीस सौ रुपये प्रोफेशनल टैक्स यहां पर लगेगा व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से इसकी गिनती की जाएगी एवं लागू होगी तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा सपोज कि आज यहाँ पर कोई कारोबारी प्रोफेशनल टैक्स भरना चाहते हैं तो उनको 2017 से उनको भरना होगा ठीक है उनको जो है यहाँ पर टैक्स जो भरना होगा वो वर्ष 2017 से भरना होगा अगर आज यहां पर वो भरते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे है है पर आज का प्रश्न राज्य सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन ई स्टाम्प खरीदारी के लिए किस नियमावली के गठन को मंजूरी दी है यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली दो हजार दस या फिर दो तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से सही आंसर जो है यहां पर कौन सा होगा यहां पर स्टाम्प होगा ठीक है स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020 तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में से तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूं वीडियो जो है पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहां पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण अफेयर क्वेश्चन देख सकें और आपको हमारे जेपीएससी लाइव टेस्ट से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं पेपर वन पेपर टू दोनों ही होंगे पर पर दर, को होता है और संडे को यहाँ पर जो है जेएसएस के लिए पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं मात्र दस रुपए भुगतान करके ये भुगतान करने का हमारा नंबर है इस पर भुगतान कर आप व्हाट्सअप करेंगे इसी नंबर पर तो आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं